जन्मा था ये जहीर, वैलेंटाइन डे जहीर जन्मा था, मिर्जाली शेख की औलाद। जिस दिन जन्मा उस दिन अब्बू बड़े खुश हुए, क्योंकि अब्बू तो जानते हो खुश होंगे, अम्मी भी खुश थी। जिस समय मिर्जाली शेख फरगना का सुल्तान था, पड़ोसी रियासत समरकंद में उसी मिर्जाली शेख का सौतेला भाई अली तुर्कमुस्तान शासन कर रहा था, और उस अली तुर्कमुस्तान यानी समरकंद के सुल्तान और फरगना के सुल्तान के बीच में 36 का आंकड़ा था। इसलिए मिर्जाली शेख ने सोचा कि बेटे का जन्म हुआ है तो जन्मदिन पर दावत रखी गई घर में, और उस दावत में समरकंद के सुल्तान अर्थात अपने सौतेले भाई को इनवाइट किया मिर्जाली शेख ने। लेकिन सौतेले भाई अली तुर्कमुस्तान ने खाने में जहर मिला दिया, और जिस दिन जहीर जन्मा था उसी दिन मिर्जाली शेख का इंतकाल हो गया, उसकी मौत हो गई। अबू के प्यार में अम्मी ने भी 4-5 और दिन निकाले, अम्मी भी अल्लाह के पास चली गई। जहीर बन चुका था अनाथ, लोग कहते थे मनुस हैं, आते ही अबू और अम्मी को खा गया। जहीर अपनी पुस्तक में लिखता है कि मात्र वो 7 साल का था तब फरगना का सुल्तान बना था, और उसे लगता था कि अल्लाह पाक ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। फिर करीब 12 साल का हुआ तब उसे यकीन हुआ कि अल्लाह ने मजाक नहीं किया, मजाक किया है मेरे इस चचा जान ने, इस चचा को मैं छोड़ूंगा नहीं इंशाल्लाह। इसलिए मैंने फरगना से निकलकर समरकंद पर हमला किया, तो चाचा ने फरगना पर हमला कर दिया, और फरगना ले लिया चाचा ने, और मैंने ले लिया समरकंद। 15 साल की एज थी, मेरे से रहा नहीं गया, इसको चाचा को मैं छोड़ूंगा नहीं। समरकंद से सेना लेकर मैंने फरगना पर हमला किया, तो चाचा ने समरकंद पर कर लिया। इस बार समरकंद चाचा के कब्जे में, फरगना मेरे कब्जे में। 17 साल की एज थी, फिर से रहा नहीं गया, इस चाचा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने फरगना से सेना लेकर समरकंद पर हमला किया, लेकिन चाचा ने आधी सेना समरकंद में छोड़ के आधी सेना समेत फरगना पर हमला कर दिया, और मैं बन गया ठुल्लू, ना इधर का ना उधर का। मेरे हाथ से दोनों रियासतें निकल गई, और मैं फरगना से अपनी जान बचाकर भागा, और भाग कर सीधा काबुल आया, काबुल अफगानिस्तान में।